गुड मॉर्निंग टू ऑल प्यारे बच्चों, आज आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रेडियो एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट, हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके न्यूक्लियस अपने आप दिन हो या रात, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, ये हमेशा ये प्रोसेस चलता रहता, कभी नहीं रुकता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके न्यूक्लियस अपने आप लगातार अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं और इस फिनोमेनन का नाम है रेडियो एक्टिविटी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके न्यूक्लियस, जिसके नाभिक से हमेशा लगातार अपने आप अल्फा बीटा गामा रेज निकलते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट का नाम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट और इस प्रोसेस को, इस घटना को, इस फिनोमेनन को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस क्या करते हैं, हमेशा ही तीन रे निकलता रहता है, अल्फा बीटा गामा रेज। मैंने यहाँ पे एक फिगर से दिखाने की कोशिश किया है कि मान लो इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और इसके एक तरफ मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक तरफ निगेटिव चार्ज। तो ये पाया गया कि कुछ रे सीधे निकल जाता है, कुछ प्लस की तरफ मुड़ रहा है, कुछ माइनस की तरफ मुड़ जाता है। जो माइनस की तरफ मुड़ा इसको अल्फा कहा जाता है, जो प्लस की तरफ मुड़ा उसका नाम बीटा है, जो सीधा निकल गया वो गामा है। ये तीन रेज अपने आप लगातार निकलते रहते हैं। कहाँ से निकलते हैं, न्यूक्लियस से। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके न्यूक्लियस से लगातार ये तीनों रे निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहते हैं। इसी फिनोमेनन का नाम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो इसे न्यूक्लियर फिनोमेनन, ये न्यूक्लियस में ही होता है, इसको न्यूक्लियर फिनोमेना कहते हैं। इसमें एलिमेंट्स अपने आप ये तीन रे इमिट करते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स का नाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसका खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। हेनरी बैक्वेरेल एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किया था। इसलिए इन रेज को बैक्वेरेल रेज कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बैक्वेरेल रेज कौन है, वहां ऑप्शन होगा अल्फा बीटा गामा, क्या मानेंगे, एक चौथा होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों कहलाते हैं बैक्वेरेल रेज। कौन सा रेज, क्यों, इट इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरेल, इसलिए उनके सम्मान में इन रेज को बैक्वेरेल रेज कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल्स में रेडियम, पोलोनियम, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स और यूरेनियम तो है ही, और कार्बन 14 का भी नाम सुना होगा। कार्बन 14 इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कार्बन डेटिंग प्रोसेस में हम लोग इसका यूज करते हैं, कार्बन 14, C14। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इनसे भी ये हमेशा निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज इमिट होते रहते हैं। इसका खोज इसने किया, हेनरी बैक्वेरेल ने, इसलिए इन तीनों रेज का नाम है बैक्वेरेल रेज। सबसे ज्यादा शक्तिशाली रेडियो की एलिमेंट कौन है, पोलोनियम। पोलोनियम अभी आप लिख भी चुके होंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज पोलोनियम। क्या है ये दोस्तों, पोलोनियम। रेडियोएक्टिविटी को मापने वाला जो मशीन है, डिवाइस है, उसका नाम है गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर। इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं। मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स का, उनको सम्मान देते हुए क्यूरी बोलते हैं। रदरफोर्ड का भी कुछ इस फील्ड में काम है तो रदरफोर्ड भी बोलते हैं। और एक होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है लॉस 6। यहाँ पे देख रहे हो लगातार कुछ निकल रहा है, निकलने से क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटने को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम होता है छोटा को बड़ा करना, इंटीग्रेशन पढ़े ना, छोटा को बड़ा करता था, ये बड़ा यहाँ छोटा हो रहा है, लगातार घट रहा है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। भी आगे आपको पढ़ना है इसमें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यूनिट टाइम में जितने एटम निकल रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे, इमिट हो रहे हैं, उसको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं।
रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हमेशा निकालता रहता है, अल्फा बीटा गामा हमेशा उसमें नंबर ऑफ एटम्स लगातार घटता चला जाता है। तो यूनिट टाइम में जितना एटम डिसइंटीग्रेट होता है उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसका फॉर्मूला होता है डीएन बाई डीटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस पर हम लोग डीएन बाई डीटी किस पे डिपेंड करेगा, इसके लिए हम लोगों को पढ़ना है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए ये जो तीनों रेज हैं अल्फा बीटा गामा रे, 2000 भी कितना है 21 में ये लॉन्ग क्वेश्चन था, 2020 में ये 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन था। ये इन तीनों में कंपेयर करना, अल्फा बीटा गामा रे में कंपैरिजन करना या इनके बीच डिफरेंस लिखना, अल्फा बीटा गामा रे। ये आपको एक क्वेश्चन नहीं है, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही, 6 या 18 ऑब्जेक्टिव हैं, 6 या 18 ऑब्जेक्टिव हैं, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 18 ऑब्जेक्टिव, सिर्फ इतने में ही। तो दोस्तों अल्फा बीटा गामा रेज में क्या क्या डिफरेंस है वो आप देख रहे हैं, अल्फा बीटा गामा रे के क्या गुण है उनके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। अल्फा रे क्या है, वास्तव में अल्फा रे क्या है, हीलियम प्लस प्लस आयन। अपने रदरफोर्ड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में अल्फा रे से अटैक कर रहे थे, वहां भी मैंने बताया था इट इज बंच ऑफ हीलियम प्लस प्लस आयंस। अल्फा रे इज बंच ऑफ हीलियम प्लस प्लस आयन, बीटा रे इज बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। बीटा रे किसका बंच होता है, इलेक्ट्रॉन का। अल्फा रे किसका बंच होता है, गामा रे क्या होता है, गामा रे क्या आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। आज तक किसी ने भी बना के नहीं लगाया, होमवर्क था नहीं बना के लगाना है यहाँ पे, उसमें सबसे ऊपर क्या था, गामा। तो लोग उसको मजाक मत समझो, उस स्पेक्ट्रम से 1-2 क्वेश्चन हर साल रहते हैं, हर कंपटीशन में रहते हैं, उसको बनाओगे प्रैक्टिस करोगे तब ना याद रहेगा, वो सब जल्दी भूल जाता, रटने वाली चीज है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है वो तो समझने वाली बात है नहीं, वहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। आप लोग बनाए भी नहीं अभी तक कुछ लोग, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज, वेव लेंथ का रेंज, सोर्स, इसके लिए जो स्पेक्ट्रम था उसको बनाइए और डालिए यहाँ पे क्लासरूम में लगाइए अपने नाम के साथ। तो गामा रे की फ्रीक्वेंसी पढ़ा था सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रे की होती है, वेवलेंथ उसका सबसे कम होगा। अगला अब देखिए ये अल्फा रे जो मुड़ रहा है किसके तरफ मुड़ रहा है, माइनस की तरफ, इसका मतलब है अल्फा रे पे प्लस चार्ज है। निशा छापनी आई हो, अल्फा देखो किसके तरफ मुड़ रही है, इसका मतलब इस पे कौन चार्ज है। बीटा किसके तरफ मुड़ा, इसका मतलब बीटा पे कौन चार्ज है। गामा सीधे गया, इसका मतलब कौन चार्ज है, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। 3 पॉइंट पे यह है याद रखें, अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज, बीटा इज नेगेटिवली चार्ज एंड गामा इज न्यूट्रल। मास की बात करें, अल्फा रे का जो मास है वो 4 AMU है, 4 AMU एटॉमिक मास है, सब हम लोग रिलेटिव मास ले रहे हैं। रिलेटिव मास ऑफ बीटा रे आपने देखा था लगभग 0, टेंस टू जीरो लगभग 0 होता है, और गामा का तो ऑलरेडी 0 होता ही है। वेलोसिटी की बात करें, ये मास याद हो गया ना, अल्फा रे का जो मास होगा वो 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट, बीटा और गामा का लगभग हम लोग क्या मानते हैं, 0। वेलोसिटी सबसे ज्यादा गामा की होती है, सबसे कम अल्फा की होती है, बीटा का बीच में होती है, सबसे कम अल्फा की होती है, सबसे ज्यादा गामा की होती है, और बीटा का अल्फा से ज्यादा होगा गामा से कम होगा। वेलोसिटी सबसे ज्यादा गामा की होगी, सबसे कम अल्फा की होगी, और बीटा बीच में है तो बीच में होगी, ऐसे भी याद रखिए। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, गामा की। लाइट वेलोसिटी से चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी 3,00,000 km/s, 3×10^8 m/s। बाकी सबसे कम किसकी होगी, अल्फा की। अगर टोटल हम 10 मानते हैं, इसका 1/10 होगा, इसका टोटल 1 मानते हैं तो इसका वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी का 1/10 हो जाता है, इसका 9/10 होगा तो उसका पूरा लाइट वेलोसिटी के बराबर होगा। या 100 के टर्म में भी लोग समझाते हैं, इसका 1/100 टाइम्स होगा लाइट वेलोसिटी का, इसका 1/10 टाइम्स होगा, वो पूरा लाइट वेलोसिटी के बराबर होगा।
अब देखो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, एक पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट करना होता है भेदन क्षमता, पेनिट्रेट मतलब छेद करता है, जैसे बंदूक की गोली, बंदूक की गोली किसी चीज पे क्या करती है, छेद कर देती है। अब ये बताना है आपको पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, मतलब कितना जल्दी से वो पेनिट्रेट कर पा रहा है। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा या कम होगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी पेनिट्रेटिंग पावर, ऐसे याद रखो। आपने सबसे ज्यादा वेलोसिटी पढ़ा गामा का, तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा गामा का होगा, अल्फा का सबसे कम है तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होगा, और बीटा का बीच में होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वहां तो कुछ और डिफिनेशन है, मैं यहाँ समझाने के लिए बताता हूँ। ये कैपेसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस, मानिए डिस्टर्ब करने की क्षमता, ये डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा जो है, रोड पे बैलगाड़ी चल रहा हो और कार वाला हो बाइक वाला हो, कौन ज्यादा डिस्टर्ब करता है, बैलगाड़ी ठेला गाड़ी है ना, जिसकी वेलोसिटी कम होती है वो ज्यादा डिस्टर्ब करता है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती तुरंत निकल जाता है आपका, जिसकी वेलोसिटी कम होगी डिस्टर्बेंस उससे ज्यादा होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो है आईपी उसी का होगा, आईपी है डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस। आप किसी ऑब्जेक्ट से केमिस्ट्री में क्या डिफिनेशन पढ़ाते याद है किसी को, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्या एनर्जी रिक्वायर्ड टू, हाँ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या कर, उसको डिस्टर्ब ही कर रहे हैं ना आप, उसको जो एलिमेंट है स्टेबल था एटम था उसको आप आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकाल के, उसको क्या कर रहे हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। तो कैपेसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस को ही आप आईपी समझे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, इसलिए आईपी सबसे ज्यादा अल्फा का होगा, सबसे कम गामा का होगा, बीटा का बीच में होगा। इस तरह से क्षेत्रीय 18 एम वीवीआई क्या लुको, मॉडर्न फिजिक्स तो शुरू से हम बोले हैं कि हर कुछ इसका वीवीआई है, हर कुछ क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अभी मैंने कहा कि यूनिट टाइम में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हमेशा एटम्स निकालता रहता है, डिसइंटीग्रेट करता रहता है, तो यूनिट टाइम में जितना डिसइंटीग्रेशन होगा उसको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहेंगे। डिसइंटीग्रेशन टेक प्लेस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसका फॉर्मूला आप जिसका सिंबल कहिए dN / dt लिख सकते हैं। अगर dt टाइम में dN एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं तो रेट निकालने के लिए dN / क्या करेंगे dt। तो कल इसका हम लोग इस लॉस की बात करेंगे। बोलिए कहीं किसी को डाउट है, कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन, कोई कहीं पे कोई डाउट। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, धन्यवाद। Yeah.